प्रश्न मुख्य रहा है कि उसका युवा वर्ग कौन सी भूमिका निभाएगा, और कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं चाहेगा कि उसका युवा वर्ग अनुशासनहीन और कायरता का वर्ण करने वाला हो। लेकिन आज समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता के लिए युवा कहलाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसके लिए हमारा समाज ही जिम्मेदार है, क्योंकि आजादी के बाद हमने अपने सच्चे नायकों के बलिदान को भुलाकर धन अर्जित करने वालों को ही महिमा मंडित किया है। और इसी बात से प्रेरणा लेकर हमारा युवा वर्ग आधुनिकता की अंधी दौड़ में सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहा है, फिर चाहे उसका मार्ग अनैतिक ही क्यों ना हो। लेकिन आज जरूरत है हमारे नौजवानों में फिर से वो राष्ट्रभक्ति, उस देश के प्रति जज्बा पैदा करने की। आउट हो गया भारत में।
चले पूछे तो दिखाई देंगे, खुशी की तो बात है, भारत फिर से मैच आ गया और अपन फिर से पूरे 10,000 जीत गया। देश के हाल पर खुशी मनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे छोड़ो यार भाई, मैं तो कहता हूँ कि जिसने की शर्म उसके फूटे का, और जिसने की पे हया उसने खाई दूध वाला है। तो भाई सही बात है ना? बिल्कुल ठीक कहा। अब दादा वैसे अगर आप आई गए तो हमारी खुशी में शरीक होइए। शुक्रिया, लेकिन मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपने देश की हार कर खुशियाँ बनाऊँ पार्टियाँ रखूँ। लीजिए, ये आज के समय में भी देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं। अरे रखा क्या है ऐसे देश में? अब आप ही बताइए दादा, आखिर यह क्या है आपके देश प्रेम में आपको? यदि ये इस तरह पैसे के नशे में रहेंगे तो एक दिन अपने आप को भी बर्बाद करेंगे और अपने देश को भी। पैसे देश में बर्बाद होने के लिए रखना ही क्या है दादा, आप तो देशभक्त हैं, फिर भी आप जैसे देशभक्त को एक छोटी सी नौकरी तक नहीं दे पाए थे। और तभी इस देश का सारा टैलेंट विदेशी कंपनियों में उपयोग हो रहा है। बताइए क्या दिया है आपके इस देश, आपके इस महान हिंदुस्तान है कोई ऐसी एक भी अचीवमेंट जिससे गर्व हो आपको? ऐसी एक नहीं कई अचीवमेंट है, ऐसे एक नहीं कई नाम है, मुझे नहीं पूरे हिंदुस्तान को उनका नाज है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी। लेकिन इनका हश्र क्या हुआ? या सबकी मूर्तियां बना के कुर्चा रख लगा दी, या तस्वीरों में कैद करके दीवार पर टांग दी? हाँ किसी दिन याद आती है तो झाड़ पोंछ कर याद कर लेते हैं, वरना बाद के दिन तो की पूजा से एक मंच ही करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, यहां से जाते हो हमें? रौनक उससे बोल दे, उसकी बात पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने मुझे शहनवाज खान की छवि दिखाई दे रही है, कैप्टन लक्ष्मी की तो इसमें जो भक्त सिंह की तो इसमें प्रेम सहगल की। क्या कह रहे हो दादा, और ये मैं कौन जिनका भी आपने नाम लिए? ये सभी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे जिन्होंने अपनी नौकरी अपनी जिंदगी अपने पिताजी के लिए और अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। दादा कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ दादा कुछ बताइए इसके बारे में। अरे अपने स्वार्थ के लिए
जापानियों से हाथ मिलाने वाला वो देशद्रोही बंगाली। अपनी जुबान को लगाम लीजिए सर, यदि आपकी जगह किसी और ये बात नहीं होती तो वो अभी तक जिंदा नहीं होता। ये तो लाखों लोग कहते हैं, बेशक बेशक वो एक असली जादूगर है। हम कौन थे? एक मामूली सैनिक जिनके सपने भी केवल करियर, प्रमोशन, क्लब और बेजान पार्टियां। दुनिया के लक्ष्य में कहां है हमारा देश? अरे नेताजी ने दिखाई हमें हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति। तू जोश में होश में राज, अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 33 साल। क्यों, फांसी के लिए उम्र कम है क्या? ए, मालूम मत करो, समझे? मैं अभी अभी हाई कमांड से बात करके सीधे यहीं आ रहा हूँ। तुम सबको अपनी नौकरी वापस कर सकती है? इतनी खैरात के पत्ते में करना क्या होगा? तुम्हें बस इतना ही कहना होगा कि नेताजी की फौज सिर्फ घोड़ों का चमगाट था। चट्टानों पे घास नहीं हुआ करती, ऐसी हजारों नौकरियां नेताजी पे कुर्बान थे। अरे मत सुनो सरकार की बात, लेकिन अपने सिख पंथ और मुस्लिम लीग की बात मान सकते हो ना? भाई अगर मैं कहूँ, अगर मैं मुस्लिमों के लिए और गुरु सिखों के लिए लड़ेगा तो हमारे नेता जी और इस देश के लिए कौन लड़ेगा? तो फिर बताओ कल तुम तीनों का कौन फैसला हो जाएगा, समझे?
आओ सुभाष, मेरी इस कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। बैठो। ऐसी जैसी कठिन परीक्षा पर इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उस पेड़ी से तो मैं अपने आप को कम कर चुका हूँ। फिर भी सुभाष, इतने महत्वपूर्ण पद पर देश सेवा के लिए ठुकरा देना कोई मामूली बात नहीं। खैर, जब तुमने अपने निर्णय ले लिया है तो मैं कौन हूँ तब तुम्हें रोकने वाला। बाप, सुभाष को निमोनी का रस लाना। आप इतना बड़बा रस कैसे पी लेते? अपमान और गुलामी के कड़वे घुटों के आगे तो ये कड़वाहट कुछ भी नहीं सुभाष। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे भीतर से कोई तूफान बन रहा है। मेरा और बताओ आगे क्या? मेरा तो बस एक ही उद्देश्य, अखंड भारत की आजादी के लिए युद्ध। और आपका? मेरा तो बस उतना ही है जितना इस देश की जनता ने जो वास आंदोलन किया। क्या आपको लगता है इतने से ब्रिटिश सरकार को दबाया जा सकता है? माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके इस कार्यक्रम से ब्रिटिश सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा। किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव डालना मेरे किसी कार्यक्रम में समावेश नहीं है सुभाष, और ना कभी था। मगर आपकी ही घोषणा के अनुसार पूर्ण स्वराज्य तो हो इस तरह कभी प्राप्त नहीं कर पाए। माफ कीजिए, लेकिन मुझे आपके कार्यक्रम से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति असंभव दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे आज ही करना है। जैसे तुम्हारी इच्छा सुभाष। सुभाष, मुझे तुम्हारे अंदर एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है, लेकिन आजादी को लेकर तुम इतने अधीर क्यों हो? तुम्हारी शुक्रवादी स्वभाव ने मुझे चिंता में डाल दिया। समय रहते संभल जाओ सुभाष, कहीं तुम्हारे अंदर की ज्वाला तुम्हारी विचार ना समझ जाओ। मुलाकात के बाद भी सुभाष संतुष्ट नहीं। गांधी जी का कार्यक्रम सुभाष को कुछ फीका प्रतीत हुआ। फिर भी उनका मान रखते हुए और नेहरू के आग्रह करने पर सुभाष ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। लेकिन सुभाष के आक्रामक रुख के कारण वरिष्ठ सदस्य उनके अध्यक्ष बनने में रुकावट बने रहे। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी इस बार सुभाष कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए और हिंदू मुस्लिम एकता पर बात करने के लिए जिन्ना से मिलने पहुंचे। अब्दुल रज्जाक,
पिता मोतीलाल नेहरू ने जवाहर को बुलाया। मेरी इच्छा तो सभी के साथ मिलकर भोजन करने का यार। तो सबके साथ पूछा तो और लिख देते।
मैं ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग हमसे कोई गलती हो गई क्या? जब आप लोग भोजन करने एक साथ एक पंगत पर नहीं बैठ सकते तो आने वाली मौत के विकराल चक्रों में एक दूसरे का साथ कैसे दोगे? करना क्या? सारे वर्तन एक जगह लाभ साथ बैठ कर पाओ, क्योंकि जब हम सब एक साथ हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं तो हम सब भाई बहन हैं और हम सब एक। हम उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि आजादी की ओर तेज गति से चलने वाला माना है मिल चुका है। साथियों, वर्तमान स्थिति में मैं आपको भूख प्यास और मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको याद दिला रात चाहे जितनी भी काली हो सवेरा होता ही नहीं, हार हो या जीत आप हर घड़ी मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। बाहरी देशों की बहुत ही सहायता लेना महात्मा गांधी जी का विरोध होगा, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है अखंड भारत की आजादी। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से मदद? मैं देश की आजादी के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता हूँ। वाह, क्या तेज और तड़प है, अपने देश की आजादी के लिए कितनी तीव्र आकांक्षा है आपने। लेकिन जापान हमारी मदद के लिए तैयार क्यों हो गया? क्योंकि जब तक भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य कायम है तब तक जापान के अस्तित्व पर भी खतरा बना रहेगा। गांधी जी के सैद्धांतिक मतभेदों के चलते आपने कांग्रेस छोड़ दी, फिर भी हमारी फौज में गांधी विघटन क्यों? सैद्धांतिक मतभेदों का मतलब ये नहीं कि वे हमारे शत्रु, आखिर हम सब देश की आजादी के लिए ही तो लड़ रहे हैं। बस रात का रात का मेरे बहादुर सिपाहियों, आज मैं बड़े गर्व से सारे हिंदुस्तान की जनता के सामने घोषित करता हूँ कि हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली हमारी आजाद हिंद फौज तैयार। मेरे साथियों, आज मैं आप सब और पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझसे पहले मुझे रेडियो पे सुन
संदेश छोड़ना जिससे लोग भ्रमित ना हो। अजीत तुम लक्ष्मी के साथ जाओ। मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। हाँ मैं जिंदा हूँ और आजाद हिंद रेडियो पे हिंदुस्तान की जनता को बताने के लिए खड़ा कि मेरे मौत के झूठे समाचार दुश्मनों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। इन खबरों से जरा भी विचलित न हो, मैं जल्द ही हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करूंगा। जय हिंद। हिंदुस्तान के पूर्व प्रवेश द्वार तक आप पहुंचे। इंफ्रंट और कोहिमा के ब्रिटिश चौकियों का सीमा पर का मार्ग कट गया। विशाल रूप छतरा उठा और लाल किला प्रफुल्लित मुद्रा में नेताजी का अभिनंदन करने के लिए बाहरी फैलाए खड़ा था। लेकिन देवर विभाग को कुछ और ही मंजूर था। समय से पूर्व हुई मूसलाधार बारिश ने सारा पासा ही पलट दिया। इसी बीच हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देने से युद्ध का सारा संदर्भ बदल गया। जापान द्वारा आजाद हिंद फौज को दी जाने वाली मदद और जो सैनिक विजेता के रूप में लाल किले के बाहर नेताजी को सलामी देने वाले थे उनको भी हजारों की संख्या में बंदी बनाकर जेल की चार दीवारों में कैद कर दिया गया। लेकिन नेताजी इस हार से विचलित नहीं हुए और अपने संबोधन में कहने लगे, आजादी का ये युद्ध हम भले ही हार गए लेकिन हमें निराश नहीं होना बल्कि उत्साह के साथ फिर खड़े हो जाना। मुझे डर है कि हमारे देश के नेता आजादी मिलने के लालच में भारत विभाजन स्वीकार न करें, फिर चाहे उन्हें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को कबूल करना पड़े। लेकिन हम आज भी अपने अखंड भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो लोग भारत विभाजन कर पाकिस्तान चाहते हैं उनका असली मकसद सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है और वो अपनी आने वाली पीढ़ी को कभी न हल होने वाली समस्या विरासत में देने जा रहे हैं। आजादी के समय भारत को विभाजन का साक्षी बनना पड़ा, यही नहीं आजाद हिंद फौज के किसी भी सैनिक को भारतीय सेना में शामिल तक नहीं किया गया। पर हाँ, सुभाष चंद्र बोस के फोटो को राजसभा में 30 वर्ष लगकर लगाने में जब नेताजी ने जापान स्वान भरी लेकिन एक और होते ही विमान में आग लग गई और विमान जमीन पर आ गया। उस चलते हुए विमान से सुभाष अपने पूरे जिस्म में आग की चादर लपेटे हुए बाहर निकल गए। उन्हें देखकर जापानी अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। वे तत्काल उन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल ले गए और बोले, डॉक्टर कैसे इस ग्रेट सुभाष चंद्र बोस ऑफ इंडिया। तब सुभाष के शरीर में हरकत देखकर डॉक्टर बोले, ओह माय गॉड इट्स मिरेकल, इतना जल्दी के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तो क्या नेताजी मैं भी जिंदा हूँ। इंग्लैंड के राजधानी में एक क्रांतिकारी विस्फोट हुआ।